दरबार की तो शक्ति है ये, आप जहां वैदिक प्रक्रिया का पालन करते हो तुरंत आपको लाभ मिलता है, लेकिन लाभ तभी मिलेगा जब आप प्रार्थना और संकल्प करोगे जी गुरु। नहीं एक नहीं आप 100 हवन कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला। प्रणाम गुरु जी। खुश हो बेटा। नमस्कार बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बाबा जी। खूब प्रसन्न रही बाबा जी। रविंद्र कुमार पानीपत हरियाणा से हूँ बाबा, और मैं 9 हवन की प्रक्रिया पहले कर चुका हूँ बाबा जी, और परिवार के लिए जो छोटे छोटे कष्ट थे माता पिता को परिवार में, उनके लिए मैंने वनडे प्रक्रिया अपनाई है बाबा। परिवार के 5 लोग यहाँ हैं और 5 घर पे हैं बाबा जी। DNA में 10 लोगों को रखा है मैंने बाबा। बहुत अच्छा किया। और संकल्प आपने चेक कर लेना बाबा जी, जैसे भी हमने किए हैं आप अपनी दया दृष्टि से बाबा। आपके यहाँ बहुत सर्जरी हुई है जी, ऊर्जा बहुत आ गई एक दूसरी में, तो सभी के सूक्ष्म सर्जरी हुई है जी। सभी की, और बहुत बहुत कष्ट थे जी गुरु जी, है ना। हृदय की भी समस्या थी, लंग्स की भी समस्या थी, लीवर की भी थी जी, बहुत शरीर में कष्ट ही कष्ट थे जी गुरु जी, है ना, घुटने कमर गर्दन सिर सभी, और सभी अच्छे हुए हैं गुरु जी। मम्मी के कान में ना सुराख है गुरु जी, वही कह रहे हैं मवाद निकल, बहुत कष्ट हुए थे जी, सबकी सर्जरी हुई सूक्ष्म में जी गुरु जी, कुछ नहीं बचता, लेपन सिर पे करा के रखना। एक गुरु जी भाई है बड़ा, ये ड्रिंक बहुत करता है, फोटोस काम नहीं चलेगा, संकल्प करे चला जाएगा जी गुरु जी। ये संकल्प प्रार्थना से ही होता है बेटा। ठीक है गुरु जी, पूजा पाठ में बिल्कुल रुचि नहीं है गुरु जी उसकी, बिल्कुल कह तो रहा हूँ। आप कैसे अच्छे हो गए? मैं अच्छा हूँ दरबार की, इसलिए कि प्रार्थना और संकल्प किए हैं। तो प्रार्थना और संकल्प नहीं करोगे, मुझे भी कभी ड्रिंक करने की आदत है गुरु जी, करके दिखाओ। चलो आप ही कर लो, करो बस मन में करो, कल्पना में करके दिखाओ, देखो कर पा रहे हो, करिए। कल्पना में शराब पी के देखो, सामने दारू रखी है, ग्लास रखा है, काजू नमकीन रखा, खा पी के दिखाओ जरा हमें। तो नहीं हो रहा गुरु जी। क्यों नहीं हो पा रहा? क्या लग रहा है? नफरत हो रही गुरु जी। नफरत हो रही थी? क्यों नफरत हो गई तुम्हें शराब से, जो सबसे प्रिय चीज थी, क्यों नफरत हो गई? हमने तो कुछ किया नहीं, संकल्प आपने संकल्प किया है। ऐसे आपका भाई संकल्प कर ले जी, उसकी भी छूट जाएगी शराब, जो कुछ खाता पीता होगा। दरबार की तो शक्ति है ये, आप जहाँ वैदिक प्रक्रिया का पालन करते हो तुरंत आपको लाभ मिलता है, लेकिन लाभ तभी मिलेगा जब आप प्रार्थना और संकल्प करोगे जी गुरु। नहीं एक नहीं आप 100 हवन कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला। बस परिवार पे आशीर्वाद बना के रखना बाबा। खुश हो बेटा, प्रसन्न जी गुरु जी।